सो आर यू गाइज रेडी फॉर कभी खुशी कभी गम ग्रैंड फिनाले। कभी खुशी कभी गम का ग्रैंड फिनाले नहीं है, है तो बिग बॉस का, लेकिन कभी खुशी कभी गम के जितने भी गाने हैं ना उसी पर परफॉर्म करने वाले हैं ये कंटेस्टेंट। जैसे कि अंकिता करने वाली है अपने पति के साथ, उन्होंने बाकायदा ही उन्होंने आरती आरती उतारी है और कभी खुशी कभी गम के गाने पर परफॉर्म करेंगी। साथ ही चिंटू और मिंटू, यानी कि चिंटू तू क्या बोल के आया था, चिंटू तू क्या बॉयफ्रेंड बोल कर आया था, सोनी है यू आर माय सोनी है। साथ ही यहाँ पर बोल चूड़िया बोल कंगना करने वाली है ऐश्वर्या और नील। अभिषेक का सोलो परफॉर्मेंस होने वाला है बेख्याली पर। मन्नारा चोपड़ा जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ब्लू कलर की ड्रेस में, वो भी सोलो परफॉर्मेंस कर रही है। अभी तक के मुनावर की कोई भी जो परफॉर्मेंस की झलक है वो सामने नहीं आई है। वो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्यों झलक नहीं आई है, क्योंकि उसकी एक झलक के लिए ना लोग इंतजार करते हैं। आप हमेशा देखते हो कि रोस्टिंग होगी उसमें लास्ट में बुलाएंगे, या फिर कोई भी चीज़ होगी उसमें लास्ट में बुलाएंगे, जर्नी में भी लास्ट में बुलाया, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता है मास्टरपीस का। तो जो मास्टरपीस होती है ना वो लास्ट में ही दिखाई जाती है, तो इसलिए अभी तक के कोई झलक वलक नहीं दिखाई गई है, यही एक कारण है। बाकी लोगों की झलक सामने आ चुकी है, बस एक लौता मुनावर फारूकी है जिसकी डांस की अभी तक की कोई झलक सामने नहीं आई है कि वो किस पे क्या परफॉर्मेंस करने वाला है। बाकी एक झलक जो व्हाइट कलर का उसने ड्रेस पहन रखा है वैसी वो झलक आई है, लेकिन डांस करते हुए कोई भी झलक सामने नहीं आई है। हो सकता है कि कल के प्रोमोज में ऑफकोर्स आ जाएगी, क्योंकि कल ही तो लास्ट डे है। लेकिन उससे पहले जो है ना गाइज, वोट करो जाकर के अपने फेवरेट को, जिसको भी वोट करना चाहते हो जाकर के वोट करो, दूसरों के फोन से करो, दूसरों को कहो, फोन करो अपने दोस्तों को, तो वोट करो जम करके जिसको भी आप जीतते हुए देखना चाहते हो। क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।